गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेडिवल ओके, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। सबने अटेंडेंस कर दिया? लेट मी चेक। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबल या फिर आपका पॉसिबिलिटी। ओके, कि कितना पॉसिबल है कोई चीज होने का, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर या तो टेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना का होगा, 50% का। मतलब कि 50% चांसेस जो है वो हेड आने के हैं और 50% चांसेस टेल आने के हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हमने होमवर्क दिया था आपको 5.1 का, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन इट? अभिज्ञा, धीरज, अनुज, मैत्री, इसमें बस आपको ये बताना है कि पॉसिबिलिटीज कितनी है। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में एक वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटेन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रेंडमली। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 to 20, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 10 to 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे वो 10 होंगे। ठीक है, क्योंकि 10 इसलिए नहीं होंगे कि 10 to 20 मतलब 11 से लेकर के 20 तक आपके नंबर जो हैं वो 10 होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका 10 भी तो इंक्लूडेड होगा। तो 10+1 यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कितना हुआ आपका, 11। ठीक है, तो इस तरीके से। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे क्या जल्दी जल्दी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 10 to 20 मतलब 10 पॉसिबिलिटीज है, तो तुरंत 10 पे टिक करके चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे 10 to 20 में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो कितनी है, 11। नेक्स्ट है, लेट्स थिंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स इज मोर। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसका आने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है गेटिंग वन ऑन द अपर फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, एक कोई डाई को हम थ्रो करते हैं तो अपर वाले फेस पे वन आने का क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा है गेटिंग हेड बाय टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने का, सिक्के पे हेड आने का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें से अगर दोनों की बात की जाए तो कौन सा किसका मतलब पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आउटकम्स हैं, ठीक है, जैसे आप जब बात करोगे डाई का, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आउटकम्स होंगे, यहाँ पे 6 आउटकम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने आउटकम्स होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होंगे। ठीक है, तो 2 में से कोई एक को लाना है। ठीक है, तो ये ज्यादा पॉसिबल है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज उससे बहुत कम है, क्योंकि मतलब 6 में से आपको एक लाना है कोई। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटीज अगर बात करोगे तो 6 में से कोई एक, तो ये 6 में से एक लाना है, तो यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या है, कम हो गई वन आने का पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे कोई एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50% का है, और यहाँ पे
यहाँ पे मतलब उससे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें जो जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, वही आपके, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे क्वाइन का, मतलब क्वाइन जब हम टॉस करते हैं तो इसमें यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो यही आपका सिंपल स्पेस यही है। ठीक है, हेड और टेल, तो उसको हम सिंपल स्पेस का लिखने का तरीका है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी हम सिंपल स्पेस को लिखेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, या फिर एक ग्रीक लेटर जो है वो ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं ओमेगा। ओके, इसे भी डिनोट कर सकते हो या तो कैपिटल एस से, ठीक है, स्मॉल एस से नहीं, कैपिटल एस। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट होते हैं सैंपल पॉइंट, जैसे कि हेड और टेल की अगर हम बात करें, जैसे एक सैंपल स्पेस हम लेते हैं तो हेड और टेल की बात करें, तो ये जो है आपका क्या हुआ, सैंपल पॉइंट, ये भी क्या हुआ, सैंपल पॉइंट। जो भी एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में हम उसको बोलेंगे सैंपल पॉइंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज डिनोटेड बाय एनएस। ठीक है, नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर्स हैं सैंपल सैंपल पॉइंट कितने हैं, तो उसको हम लोग डिनोट करने के लिए एनएस लिखते हैं। एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि इसमें कितना है, 1 2, काउंट करेंगे तो 2 होगा। ओके, एन एस इज फाइनाइट, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट हो, मतलब अगर सैंपल स्पेस फाइनाइट हुआ देन द सैंपल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है, जब आपका सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइनाइट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है, उस तरीके से एक एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस के। तो जैसे कि एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है, वन क्वाइन इज टॉस्ड, तो जो कि अभी हम लोगों ने देखा। सेकेंड है, टू क्वाइंस आर टॉस्ड, जब एक साथ हम दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आने का संभावना है। फर्स्ट वाले क्वाइन पे मान लो हेड आ गया, सेकेंड वाले पे भी हेड आ गया, ठीक है, एक ये आपका पॉसिबिलिटी हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लेफ्ट वाले क्वाइन पे हेड आया और राइट वाले क्वाइन पे टेल आया। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट वाले पे टेल आया और राइट वाले पे हेड आया, और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पे टेल आया। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा अलावा और क्या हो सकता है कि अगर जो क्वाइन हमने टॉस किया वो मतलब कि फ्लैट ना गिरे, ठीक है, ऐसे मतलब कहीं मान लो जाके रुक गया, ठीक है, ऐसे क्वाइन जो है इस तरीके से हो जाए, तो उसको हम लोग पॉसिबिलिटी बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे उस टाइम में वो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम ऐड नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। नेक्स्ट है, थ्री क्वाइंस आर टस्ट, जब हम तीन क्वाइन को टस्ट करेंगे तो कितने होंगे, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे हेड, तीसरे वाले पे हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, तो इस तरीके से जब आप लिखोगे, ठीक है, तो ये कितने होंगे, ये 8 होंगे। ठीक है, इसको काउंट करोगे तो ये 8 होंगे। नेक्स्ट है, ए डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई थ्रो करेंगे तो क्या होगा, तो डाई पे आपका 1 से लेकर के 6 तक मार्किंग होता है। ठीक है, तो या तो 1 आएगा 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये आपके सैंपल स्पेस होगा। जब भी हम लोग सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं, तो वो हम एक मिडिल ब्रैकेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, या कर्ली ब्रैकेट इसको भी बोलते हैं, ठीक है, इसी के अंदर ही हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही। ओके, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम टू डाई थ्रो करते हैं, टू डाइस थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, एक तो लेफ्ट वाले को फिक्स कर दो 1, ठीक है, तो
दूसरे वाले पे 1 2 3 4 5 6 ठीक है। फिर मान लो कि फर्स्ट वाले डाई पे 2 आया ठीक है, तो सेकंड वाले पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही हम लोग 3 4 5 6 पे सब पे निकालेंगे। तो ये जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो कितनी होंगी, तो फर्स्ट रो में 6 है और इधर भी 6 है, तो 6 × 6 36, मतलब जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो 36 होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 ठीक है। एक मतलब कि कार्ड है जिसपे 1 से लेकर के 25 तक नंबर जो है वो लिखा हुआ है ठीक है। तो उसमें से उसमें कौन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें होंगी, क्योंकि 25 कार्ड से और डिफरेंट नंबर सारे पे लिखा हुआ है। तो आपके जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 25। ओके, नेक्स्ट है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ठीक है। अगर कोई प्लेइंग कार्ड्स जो है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 ठीक है। तो उसमें उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या होता है उसमें। डायमंड होता है, स्पेड, हार्ट और क्लब, ये 4 तरीके के कार्ड होते हैं ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे डायमंड में जो है S 2 3 4, इसको इक्का भी बोलते हैं, आप लोग इक्का भी नाम सुने होंगे ठीक है, या फिर एस बोलते हैं इसको। ओके, वन मतलब एस का मतलब 1 हुआ ठीक है। तो 1 से लेकर के 10 तक ये 10 कार्ड्स होते हैं। फिर उसके अलावा जैक, क्वीन, किंग ठीक है। फिर उसके बाद स्पेड में भी इसी तरीके के कार्ड्स होते हैं, फिर हार्ट में भी इसी तरीके के कार्ड्स होते हैं, फिर क्लब में भी इसी तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो 52 होगा, राइट। लेट्स रिमेम्बर ठीक है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसको याद रखना है आपको। द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस इज द सेम एज दैट ऑफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द सेम इज ट्रू फॉर 3 कॉइन। ये बोल रहा है कि अगर हम कोई कॉइन को, मतलब 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, या फिर उसको बारी बारी से टॉस करेंगे, तो जो आपका सैंपल स्पेस होगा वो सेम होगा। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड ट्वाइस इज द सेम एज 2 डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली। वही है डाई का केस में भी ठीक है। अगर हम एक डाई को 2 बार मतलब कि थ्रो करें, या फिर 2 डाई को 1 बार थ्रो करें, तो उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो सेम होंगे। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस ठीक है। 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली ठीक है। एक कॉइन को और एक डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन है इसमें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग करेंगे होमवर्क में, अगर कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट सैंपल स्पेस में? नो डाउट। ओके, तो ये आपका फाइनाइट सैंपल स्पेस है कि, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो सब में क्या है, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस है वो फाइनाइट है ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है आपका इवेंट ठीक है। इवेंट क्या होता है, द आउटकम सेटिस्फाइंग पार्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स ठीक है। अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट ठीक है।
अब देखिए इवेंट क्या होता है, तो इवेंट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम एक क्वाइन को टॉस किए, ठीक है, क्वाइन को टॉस किए तो मान लेते हैं हम बोले कि उसमें हेड आएगा, ठीक है। तो हेड क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, क्योंकि वो हमारे फेवर में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इवेंट उसको बोलेंगे, वैसा सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसमें जो कि मतलब सैंपल स्पेस में जो है, ठीक है, तो उस जो जो फेवरेबल आपका आउटकम्स है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, ठीक है। जैसे हम क्वाइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा, हेड और टेल, ये आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो अगर हम हेड को, हेड आता है, ठीक है, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हुआ, ठीक है, अगर हम उसको कंडीशन दिए हुए हैं कि हेड आएगा तो, ठीक है। इवेंट इज एन सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, इवेंट जो है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस के, मतलब ये कि जो इवेंट होगा, जैसे कि हेड मतलब जो आपका मान लीजिए कि इवेंट है, ठीक है, तो हेड क्या होगा, सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। तो सबसेट क्या होता है, तो सबसेट उसको बोलते हैं जैसे कि ये आपका ग्रुप है, सैंपल स्पेस का ग्रुप है, ठीक है, और सैंपल स्पेस का ग्रुप है इसमें से मतलब इसी में से कोई एक आपका सैंपल पॉइंट होगा, ठीक है, वही आपका इवेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है, मतलब जो ये सेट है, सेट समझते हो ना, मतलब कि ये जो भी इसमें आपके सैंपल पॉइंट्स हैं, तो ये एक तरीके का आपका सेट हुआ, जैसे 1 2 3 4 5, ओके। तो इसमें से कोई भी मतलब सैंपल पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इवेंट हुआ आपका, और वही इवेंट जो है वो मतलब सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। नेक्स्ट है आपका, इवेंट्स आर ग्रेजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जो जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टू क्वाइंस आर टस्ट, ठीक है, अगर हम टू क्वाइंस को एक साथ टस्ट करते हैं, एंड द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, ठीक है, मतलब ये जो है वो बोल रहा है कि जो मतलब वन टेल मतलब कम से कम एक टेल आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि मतलब एटलीस्ट वन टेल जो है वो होगा जो भी इवेंट होगा, देन द फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स होंगे टेल 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 हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आप एक तो टेल है ही, ठीक है, तो यही आपका इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम जो है वो ये है, ठीक है। अगर यहीं पे बोल देता कि बी इज द इवेंट ऑफ, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग गेटिंग ओनली हेड, ठीक है, गेटिंग ओनली हेड, गेटिंग ओनली हेड, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, तो हेड टेल, ठीक है, ओनली हेड रहेगा तो क्या होगा, हेड टेल होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेल भी आ गया, ठीक है, तो हेड हेड होगा सिर्फ। हेड हेड अगर यही रहता एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड रहता तो हम लोग लिखते हैं हेड हेड टेल टेल हेड और हेड हेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली हेड, ठीक है, तो ओनली हेड का जो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा, हेड हेड, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन द इवेंट ए इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है, और हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे, इवेंट को ए से हमने डिनोट किया है इसको सैंपल स्पेस को, और हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए एन ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए है तो इससे पहले एन लगा देंगे, ठीक है। तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन ए इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं।
ये कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं. टू क्वाइंस आर टच साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस. ठीक है. ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच एलिमेंट. ठीक है. जैसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि कंडीशन फॉर इवेंट ए, ठीक है, मतलब इवेंट ए होने के लिए कंडीशन दिया हुआ है टू गेट एटलीस्ट वन टेल. ठीक है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपका, हम दो क्वाइन को जो है वो एक साथ टस कर रहे हैं, और टस करने के बाद जो है वो आपका जो सैंपल स्पेस है उसको हमको लिखना है. फिर हमको लिखना है कि जो भी इवेंट्स का कंडीशन ये दिया हुआ है उसका सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स लिखना है. ठीक है. और बताना है कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे प्रत्येक इवेंट के. ओके. तो जैसे अगर पहले इवेंट का बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू गेट एटलीस्ट वन टेल. ठीक है. कम से कम एक टेल जो है वो आना चाहिए. एटलीस्ट का मतलब हुआ कि कम से कम एक टेल जो है वो होना ही चाहिए. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सैंपल स्पेस कितने होंगे टोटल जब हम टू क्वाइन को टच करेंगे. इफ टू क्वाइंस आर टच साइमल्टेनियसली, एस इक्वल टू क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. ठीक है. तो ये अगर हम दो क्वाइन को टच करते हैं तो ये जो है आपका सैंपल पॉइंट्स होंगे. ठीक है. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4. तो एन एस इक्वल टू 4. तो एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए. तो इसके लिए हम इवेंट का सैंपल पॉइंट्स लिख लेते हैं. तो क्या क्या होगा, वन हेड होना चाहिए, कम से कम वन हेड. तो दो ही, दो भी हेड हो सकता है. तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड. ठीक है. तो यहाँ पे टेल टेल तो नहीं हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ ए इक्वल टू 3. फिर सेकेंड है कंडीशन फॉर इवेंट बी. तो इसमें क्या होना चाहिए, ओनली वन हेड होना चाहिए. ठीक है. सिर्फ वन हेड होना चाहिए, ओनली वन हेड. ओके. ओनली हेड नहीं है, ओनली वन हेड है. ओके. मतलब एक ही हेड होना चाहिए, ये नहीं कि टू हेड. ओके. सिर्फ वन हेड. तो बी इक्वल टू क्या होगा, हेड टेल और टेल हेड. ओके. तो नंबर ऑफ एन एन बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2. थर्ड कंडीशन है एटमोस्ट वन टेल. ठीक है. एटमोस्ट वन टेल का मतलब हुआ एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो. ठीक है. टू टेल नहीं होना चाहिए. ठीक है. टू टेल नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वन टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. तो क्या क्या हो सकता है, ये तो बोल रहा है एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा वन टेल होना चाहिए, अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा. ठीक है. तो हेड हेड तो हो सकता है. ठीक है. वन टेल तो ले सकते हैं, तो हेड टेल हो गया. फिर यहाँ पे टेल हेड, और टेल टेल को लेंगे क्या, तो टेल टेल हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टू टेल हो जाएगा, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा वन टेल लेना है. ओके. तो आपका सी इक्वल टू हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड. तो नंबर ऑफ एन ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. लास्ट है, लास्ट आपका है कंडीशन फॉर इवेंट डी. ठीक है. इसमें क्या दिया हुआ है, नो हेड. ठीक है. कोई हेड नहीं होना चाहिए. तो कोई हेड नहीं होना चाहिए, तो इसमें ढूंढो कौन सा किसमें हेड नहीं है. तो इसमें हेड है तो इसको हम नहीं लेंगे. फिर इसमें भी हेड है तो इसको भी हम नहीं लेंगे. फिर इसमें भी हेड है तो इसको भी हम नहीं लेंगे. तो क्या बचा है आपका, एक सिर्फ टेल टेल वाला. ठीक है. तो डी इक्वल टू क्या होगा, टेल टेल. ठीक है. तो एन ऑफ टी इक्वल टू होगा आपका 1. ओके. तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइएगा. ठीक है. उसका सैंपल स्पेस आप लोग बताएंगे. ओनली
ओनली टेल, ठीक है, कंडीशन फॉर ई। इसमें आपको बताना है सैंपल स्पेस इसका क्या होगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें कितने होंगे टू गेट ओनली टेल, टू गेट ओनली टेल। टेल टेल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1, वेरी गुड, ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तो सबने समझ लिया ये, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो कितना इजी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 50 कार्ड्स, ठीक है, कोई बैग है जो कि जिसमें 50 कार्ड्स रखा हुआ है। ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 50। वन कार्ड इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, राइट द सैंपल स्पेस, ऑल्सो राइट द इवेंट्स ए बी एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन देम। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक बैग में जो है वो 50 कार्ड्स रखे हुए हैं और जो भी कार्ड से वो 1 से लेकर के 50 तक उस पे नंबर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई हम एक कार्ड उसमें से मतलब रेंडमली निकालते हैं तो मतलब उसमें कौन कौन सैंपल स्पेस जो है वो कितने होंगे वो लिखने हैं आपको, और इवेंट ए बी को भी लिखना है। ठीक है, और उसमें बताना भी है कि उसमें सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, जैसे फर्स्ट है आपका कंडीशन फॉर इवेंट ए, नंबर नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो 1 से लेकर के 50 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, वो आपका मतलब फेवरेबल आउटकम्स होगा। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 1 से लेकर 50 तक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो एस इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब 1 से लेकर के 50 तक आपका सैंपल स्पेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एन एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 50। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या होगा, जो कि नंबर ऑफ 6 से डिविजिबल हो, तो ए इक्वल टू होगा आपका। तो आप देखिए इसमें 1 से लेकर के 50 तक में ढूंढिए कि 6 से डिविजिबल कौन कौन सा है। तो 1 है क्या, नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 सिक्स जो है वो 6 से डिविजिबल है। ओके, तो एक मिल गया। चलो दूसरा क्या है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 तक नहीं है 6 से डिविजिबल, 12 है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे मतलब आपको पता ही है टेबल 6 का, तो जो भी 6 से डिविजिबल होगा वो 6 का टेबल वाला ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, इसके बाद क्या होगा 54। ठीक है, लेकिन 54 लेंगे क्या, 54 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एन ए इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8, जो कि इवेंट ए को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन बी क्या है, नंबर ऑन कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स आए वो कंप्लीट स्क्वायर हो। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन सा होता है 1 से लेकर के 50 तक में, तो 1 होगा, फिर 2 होगा क्या, नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, तो 4, ठीक है, फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1,
टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 जो है वो 50 से ज़्यादा है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन सा होगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 47, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा इवेंट्स बी के लिए, तो एन बी इक्वल टू हो गया आपका 7, ठीक है। इसको काउंट करके लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है अ सैनिटेशन कमिटी ऑफ टू मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस, ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन सेट फॉर्म एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट, ठीक है। तो एक सैनिटेशन कमिटी बनाया गया है जिसमें मतलब कि टू मेंबर्स जो है वो मतलब टू मेंबर्स का एक सैनिटेशन कमिटी बनाना है, ओके, जिसमें 3 बॉयज और मतलब जो कि 3 बॉयज और 2 गर्ल्स में से बनाना है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने जो है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज, उनको हम लोग मान लेते हैं, एक का नाम जो है B1 है, दूसरे का B2, तीसरे का B3, और 2 गर्ल्स हैं तो उसको हम मान लेते हैं, एक का G1 और दूसरे का G2 है, ठीक है। तो इससे हमको क्या बनाना है, सैनिटेशन कमिटी, ठीक है। और सैनिटेशन कमिटी जो बनेगा वो सिर्फ 2 मेंबर्स का ही बनेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो B1 हो B2 हो, ठीक है, या तो B1 B3 होगा, या फिर B1 G1 होगा, या फिर B1 G2 होगा, ठीक है, या फिर B2 G1, या फिर B2 G2 होगा। तो इस तरीके से हमको देखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस कौन कौन सा होगा, तो एक तो हो गया B1 B2, एक तो ये हो गया B1 B2, ओके। फिर दूसरा क्या हो गया B1, वो ये इसके साथ, तो B1 B3, फिर एक और क्या बचा B2 B3, तो ये बॉयज का सिर्फ अगर ओनली बॉयज हो तो क्या क्या होगा B1 B2 B1 B3 B2 B3, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब हम बनाएंगे कमिटी जो है वो गर्ल्स के साथ, तो क्या होगा B1 G1, ठीक है, B1 फिर G2, तो ये B1 G1 और B1 G2 का कमिटी बन गया। अब B1 का काम खत्म, फिर B2 B2 G1 B2 G2, ठीक है, फिर B3 G1 और B3 G2, और गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स का अगर कमिटी बनाना है तो G1 G2 होगा, ओके। तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस यही होगा। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही होगा सिर्फ, तो इसको काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, 10 होंगे। कंडीशन 1 क्या है आपका, इज दैट एट लीस्ट 1 गर्ल शुड बी इन द कमिटी, ठीक है, कम से कम एक गर्ल जो है वो कमिटी में होनी चाहिए। तो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो, इसमें कोई गर्ल्स है नहीं है, इसमें कोई गर्ल्स है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है। मतलब कम से कम एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो
इसको छोड़ करके बाकी सबको हम लोग इस इवेंट में लिखेंगे। तो B1 G1 B2 G1 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2 G1 G2, ठीक है। तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ NA कितना हो जाएगा, 7 होगा। सेकेंड है, कंडीशन फॉर इवेंट बी इज दैट वन बॉय एंड वन गर्ल शुड बी देयर इन द कमिटी, ठीक है। एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपका पॉसिबिलिटीज, तो देखो, तो एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2, ठीक है। तो सिर्फ इसी में आपके जो है वन गर्ल और वन बॉय है, ठीक है। तो ये आपका जो सैंपल स्पेस इसका होगा वो ये होगा, ठीक है। इसको काउंट कर लो, तो ये होगा आपका 6, ठीक। नेक्स्ट है, कंडीशन फॉर इवेंट सी इज दैट देयर शुड बी ओनली बॉयज इन द कमिटी, सिर्फ बॉयज का कमिटी बनाना है। तो देखो क्या क्या है, B1 B2 B1 B3 B2 B3, ठीक है। इसके अलावा जो भी कमिटी बना है उसमें या तो वन गर्ल्स है और वन बॉय है, या फिर आपका दोनों गर्ल्स है, ठीक है। तो आपका जो बॉयज का कमिटी बनेगा वो क्या होगा, B1 B2 का बनेगा, B1 B3 का और B2 B3 का, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे यहाँ पे, 3 होंगे, ठीक है। तो NC=3। कंडीशन फॉर इवेंट डी इज दैट देयर कैन बी एट मोस्ट वन गर्ल इन द कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल होनी चाहिए, अगर नहीं भी रहेगी तो जब भी एट मोस्ट आए आपका, ठीक है, एट मोस्ट आए तो उसका मतलब ये समझना कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया होगा वो, ठीक है, मैक्सिमम। तो एटमोस्ट का मतलब हुआ कि मैक्सिमम उतना रहे या फिर ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वन होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, तो इसमें टू गर्ल्स हैं तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसमें वन गर्ल्स है तो चलेगा। तो ये फिर आपका ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। एटमोस्ट वन गर्ल है, तो ये सब में एक गर्ल तो है लेकिन एटमोस्ट है, तो हम लोग बॉयज को भी ऐड कर सकते हैं सिर्फ। तो B1 B2 B1 B3 और B2 B3 को भी ऐड कर लेंगे। तो ये आपका जो सैंपल इवेंट में ये सारे एलिमेंट जो है वो शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नंबर ND=2 कितना होगा, 9, ओके। तो ये हो गया आपका इवेंट का सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इवेंट का सैंपल स्पेस समझ में आ गया सबको, ये यहाँ पे मैत्री अनुज धीरज, ओके। चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक कंडीशन मैं देता हूं, आप लोग बताइएगा। तो ऐसा एक कमिटी बनाना है, ठीक है, कंडीशन ये है ई, ठीक है। एक ऐसा कमिटी बनाना है जिसमें एटलीस्ट वन बॉय, ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय का, एटलीस्ट वन बॉय। तो इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, ठीक है। आपको आंसर आप नोटबुक पे लिखिए कि सैंपल स्पेस इसमें मतलब कौन कौन सा सैंपल स्पेस है, और फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आएगा आपका वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मतलब एनी का वैल्यू आपको बताना है।
कितना आया, किसी ने कैलकुलेट किया क्या? ओके, इसने आंसर भी लिख दिया, वाह। तो एटलीस्ट वन बाय होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा होगा, बी वन बी टू, बी वन बी टू अगर आप देखते हो तो बी वन बी टू में टू बॉयज है, ठीक है। तो ये आप इसको ऐड रख सकते हो, फिर क्या होगा बी वन बी थ्री। बी टू बी थ्री, फिर उसी तरीके से बी वन जी वन, बी वन जी टू, बी टू जी वन, बी टू जी टू, बी थ्री जी वन, बी थ्री जी टू। जी वन जी टू होगा क्या, तो जी वन जी टू हम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन बॉय है, कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपका जो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना होगा यहाँ पे, एन इक्वल टू 9। ओके, तो ये सबको क्लियर है। वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू डाइस आर रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, ऑल्सो राइट इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। जो जो भी आपके, जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे तो जो भी डिजिट्स का सम होगा अपर फेस पे उसका, वो प्राइम है, ठीक है। तो उसका सैंपल पॉइंट्स क्या क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। जब टू डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वन 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 टू, वन थ्री वन फोर, वन फाइव वन सिक्स, फिर टू वन टू वन, टू 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 थ्री, टू फोर टू फाइव टू सिक्स, उसी तरीके से यहाँ तक, ओके सिक्स सिक्स तक। तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गए, 36। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो अपर फेस पे, अपर फेस के जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम के लिए क्या, कब प्राइम होगा, तो देखो जैसे इसमें देखो, तो वन वन प्राइम है, अगर वन और वन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू होगा। तो टू क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ई ऐसे लिख लेंगे, उसमें हम लोग एक ब्रैकेट देंगे, फिर जो जो सैंपल एलिमेंट जो है वो जिनको ऐड करने पे प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते चलेंगे। तो वन वन होगा, ठीक है, वन और टू को ऐड करेंगे तो कितना होगा, थ्री। तो थ्री भी है तो इसको भी ऐड कर लेंगे, वन थ्री को, थ्री प्लस वन फोर, तो ये नहीं होगा, फोर प्लस वन फाइव, तो ये इसको इंक्लूड कर लेंगे, वन फाइव नहीं, वन सिक्स ये होगा, ठीक है, इसको इंक्लूड कर लेंगे। उसी तरीके से इसमें टू वन थ्री होगा, इसको इंक्लूड करेंगे, इस ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये इवेन है, थ्री टू फाइव, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको थ्री प्लस वन फोर, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, थ्री प्लस टू फाइव ये इंक्लूड होगा, थ्री थ्री सिक्स ये इंक्लूड नहीं होगा, थ्री फोर सेवन ये आपका इंक्लूड होगा, फाइव थ्री एट तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ओके थ्री सिक्स नाइन ये भी इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरीके से सबका बारी बारी से हम चेक करेंगे, मतलब किसमें जो है वो कौन कौन सा प्राइम है उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो कौन कौन सा होगा, वन 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 टू वन फोर वन सिक्स, टू वन टू थ्री टू फाइव, थ्री टू थ्री फोर, फोर वन फोर थ्री, फाइव टू फाइव सिक्स, सिक्स वन और सिक्स फाइव, इतने जो है वो आपके इवेंट ई के आउटकम्स होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम जो है वो इसको काउंट कर लेंगे, तो ये आपका आएगा 15, राइट। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। जो भी सम ऑफ
डिजिट्स होगा अपर फेस पे, उसका मल्टीपल जो है वो 5 का होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है। 1 2 का ऐड समय कितना होगा, 3, 3 भी 5 का मल्टीपल नहीं है। ओके, तो कौन सा है, 1 4, ठीक है, 1 4 मतलब 4 प्लस 1 5, तो ये आपका 5 का मल्टीपल है। ओके, और इसमें से और कोई नहीं है, तो 1 4 को हम ऐड कर लेंगे। फिर इसमें 2 3 है, इसको ऐड करेंगे। फिर इसमें आपका 3 2 है, फिर उसके बाद 4 1, फिर उसके बाद 4 प्लस 6 10, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, ये 5 का मल्टीपल है। एक ये, ठीक है, तो ये मैंने जो भी इसको गोल घेरा है, ठीक है, वो सारा जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स एफ के होंगे। नेक्स्ट है आपका इवेंट जी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 25। तो ये बोल रहा है कि जो अपर फेस पे मतलब नंबर आएंगे उसका सम करने पे 25 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, तो इसमें देखो तो सबको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 होगा, 1 प्लस 2 3 होगा, 4 प्लस 4 8 होगा, और सबसे ज्यादा 6 प्लस 6 12 होगा। ठीक है, तो 12 से ज्यादा सम आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, 12 से ज्यादा सम हो सकता है अपर फेस को अगर हम ऐड करते हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब जो आपके आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें कुछ नहीं होंगे। तो हम लोग इसको सिर्फ जी लिखेंगे ऐसे, जी इक्वल टू सिर्फ ब्रैकेट ऐसे बना देंगे और उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ब्लैंक का मतलब हुआ कि उसमें कोई आउटकम्स नहीं आया। ठीक है, या फिर आप इसको फाई से भी डिनोट कर सकते हो, फाई का मतलब हुआ नल। ओके, तो एन ऑफ जी इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ जी इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट जी कितना होगा, 0। फिर इवेंट एच है, द नंबर ऑन अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। ठीक है, जो आपका मतलब अपर फेस पे फर्स्ट डाई मतलब फर्स्ट डाई वाला मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट डाई से मतलब फर्स्ट डाई पे जो भी नंबर आएगा वो सेकेंड डाई के नंबर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देख लो, ये तो पता है कौन कौन सा होगा। 1 1 होगा क्या, नहीं होगा। 1 2 ये होगा, इसको मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। तो एक आपका ये हो गया, फिर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या 2 2 है, तो ये नहीं होगा, इसके अलावा ये सारे सारा नंबर होगा। फिर इसमें ये सारा नंबर होगा, इसमें ये सब आउटकम्स होगा, इसमें ये होगा। ठीक है, तो इतने जो आउटकम्स हैं, वो आपका इवेंट एच के लिए मतलब कि आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है उसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 और 4 5 4 6 और 5 6, तो ये जो भी पेयर्स हैं वो आपके इवेंट एच के आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे एच के, तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 15। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जब भी इवेंट्स का आउटकम्स लिखना होगा, फिर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो इस तरीके से हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 5.3, इसमें भी उसी तरीके क्वेश्चन दिया हुआ है।
राइट सिंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स इन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ए एन बी और एन सी. ठीक है, तो फर्स्ट आपका है वन डाई इज रोल्ड. एक जब मतलब डाई को हम रोल करते हैं तो क्या क्या सिंपल स्पेस आएगा वन से लेकर के सिक्स तक. ठीक है, और फिर इवेंट ए है इवन नंबर ऑन द अपर फेस. अपर फेस पे आपका कौन कौन सा, जैसे एक डाई को हमने रोल किया तो सिंपल स्पेस क्या होगा आपका, एस इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, तो ये सिंपल स्पेस. इसमें आपको इवेंट ए का कंडीशन क्या है कि अपर फेस पे इवेंट नंबर आना चाहिए. ठीक है, तो इसमें इवेंट नंबर कौन कौन सा है, टू फोर सिक्स. तो मतलब कि आपका ए का जो आउटकम्स होगा वो क्या होगा, टू आना चाहिए, फोर आना चाहिए या फिर सिक्स आना चाहिए. ठीक है, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इन ए इवेंट ए इक्वल टू थ्री. ओके, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. तो इसमें के बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन छः ही क्वेश्चन है. ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 5.2 में भी ज़्यादा कुछ, चार क्वेश्चन है. ठीक है, छः चार दस, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है आपके. तो आप लोग कर लेंगे इसको. तो आज की क्लास में कोई डाउट, ओके ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय. आप लोग होमवर्क करिएगा.